प्लेन पैरेलल मिरर्स, प्लेन पैरेलल मिरर्स, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं। आप इसको M1 मार्क करो, इसको M2 मार्क करो। मान लीजिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस मिरर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब आपको बताना है कि ये कितनी इमेजेस बनाएंगे, कहाँ कहाँ बनाएंगे। सबसे पहले इस M2 को देखो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। मतलब इसकी पहली इमेज कहाँ बन गई? 1 सेंटीमीटर पे। इसकी पहली इमेज कहाँ बनी? 2 सेंटीमीटर पे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इसकी पहली इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो इसकी पहली इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसका मतलब इसकी जो दूसरी इमेज बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी? इसकी पहली इमेज की वजह से। और इसकी दूसरी इसकी पहली की वजह से। इसकी तीसरी किसकी वजह से बनेगी? इसकी दूसरी की वजह से। और इसकी तीसरी इसकी दूसरी की वजह से। बताइए अब बोलो, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ये 1 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बनी, मुझे इसकी दूसरी बनानी है, तो क्या मैं इसकी पहली देखूँ कितनी दूर है ये, और ये कितना दूर है? 3 और 2 5। इसका मतलब मिरर से ये कितनी दूर है, तो ये अगली कहाँ बनेगी? ये मत सोचना कि ये 5 है, 5 ये है, ये 5 सेंटीमीटर, राइट? ये बताना कहाँ बनेगी? 3 तो ये हो गया, इसकी दूसरी बनाने के लिए हाँ 4, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी बताओ, इसकी तीसरी बनाने के लिए कौन सी देखूँ? इसकी दूसरी इमेज, तो बोलो ये 4 तो ये हो गया, 3 और 7, ये कितना बन गया? 7 सेंटीमीटर। इसका थर्ड बताना, 5 तो ये हो गया, 3 ये 8, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर पे ये बन गई, एंड सो ऑन बनती जाएंगी। इसका मतलब कितनी इमेजेस बनेगी? इन्फाइनाइट इमेज बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए तुम्हारे से ये पूछ लिया कि 7वीं इमेज कहाँ बनेगी, 8वीं इमेज कहाँ बनेगी, 11th इमेज कहाँ बनेगी, तो उस वक्त ऐसे ऐसे करने में तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो लोग इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, M1 M2। बोलो M1 से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर। लिखो M2 से कितना दूर है? 1 सेंटीमीटर। दोनों मिरर्स के बीच का गैप, दोनों मिरर्स के बीच का गैप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। डन? ओके, सो 2 और 1 क्या करो, इस 3 सेंटीमीटर को जोड़ते चले जाओ। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, एंड सो ऑन, है ना? ऐसे बनता चला गया। ये पहली इमेज इसकी, ये देखो पहली इमेज 2 पे बनी थी, पहली इमेज 2 पे, ये पहली इमेज है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। आप जितनी मर्जी बनाइए आपको पता लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा थर्ड और फिफ्थ में गैप बताओ, आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि थर्ड इमेज में और फिफ्थ इमेज में गैप बताओ। अभी थर्ड इमेज कहाँ बन रही है? ये रही। 5वीं कहाँ बनेगी? 11 और 3, और ये 13 बन गया। तो 14 और 8, 8 और 14 गैप कितना है? 6। तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो। तो आप ऐसा लिखने के बजाय क्या करोगे, इस तरीके से प्रोसीड करो। क्या किया दोबारा सुनिए, मिरर M1 से कितना दूर था? 2। M2 से कितना दूर था? 1। इन दोनों के बीच का गैप 3। क्रॉस तरीके से 3 3 जोड़ते चले जाओ हर स्टेप पे। तो ये क्या आती जाएंगी, मिरर M1 की पहली इमेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड सो ऑन। कितनी इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट बनेगी। क्लियर है? जल्दी उतारो इसको फटाफट। इसके बाद एक इससे ये 4 मीटर की दूरी पे है, ये 2 मीटर की दूरी पे है, ये मिरर M1, ये मिरर M2। फाइंड द गैप बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 एंड फिफ्थ इमेज ऑफ M2। फाइंड गैप बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 एंड फिफ्थ इमेज ऑफ M2। फिफ्थ इमेज ऑफ M2। ऐसे बनाओ टेबल और फिर देखो। देखो इसकी थर्ड कहाँ है? ये रही थर्ड।
इसकी पांचवी कहाँ है? येरी। तो मिरर M1 से 8 दूर है और ये कितना दूर है? 13। लेकिन ये भी तो है बीच में, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मतलब गैप अगर देखोगे, टोटल गैप देखोगे तो कितना है? 8 वो है और 13 ये। तो ये देख लेना इसको साथ में, बताओ आंसर कितना आएगा। बना लो बना लो। M1 M2, M1 बोलो कितना लिखूं? M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 4, ये 2, कितना गैप है बोलो? 10, 8, आगे 14, 16, 22, 20, है ना, 26 और 28। बोलो थर्ड इमेज किसकी? M1 की। इसका मतलब अगर ये M1 था तो इससे 16 की दूरी पे तो ये है, और M2 से पांचवी कितनी दूर है? 26। तो 26 ये हो गया। बोलो इसमें और इसमें गैप देखना आपको टोटल। क्लियर है बात? आपका 16 कैसे आ रहा था? क्या बोल रहे थे आप? 16। तो ये 16 तो ये हो गया, ये कितना था? 6। और ये कितना आया था? 26। तो 26 और 6, 32, 48 आ गया ये, राइट? तो 48 मीटर का गैप है तीसरी और पांचवी में। इसमें बनाना आ गया। इसका मतलब देखो, ये जो मैंने पहले आपको बना के दिखाया, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या लिखना है? फर्स्ट इमेज इज द कोज ऑफ सेकेंड, सेकेंड इमेज इज द कोज ऑफ थर्ड, थर्ड इमेज इज द कोज ऑफ फोर्थ। किसकी? M1 की दूसरी, दूसरे की तीसरी बनाएगी। इसकी दूसरी क्या बनाएगी? उसकी तीसरी। इसकी तीसरी क्या बनाएगी? उसकी चौथी, एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे बन रही है? नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। तुम्हारे पास मिरर्स ऐसे रखे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है और मिरर यहाँ है। ऑब्जेक्ट इधर है, ये M1 है, ये M2 है, ऐसा अरेंजमेंट है। बताइए इसकी कितनी इमेज बनेगी? A 2, B 1, C 3, D इन्फाइनाइट। ध्यान से बताना भाई। दो देखो, किस किस को समझ में आएगी दो कैसे बनेंगी? देखो पहले इसकी इमेज बनाते हैं। क्या यहां से परपेंडिकुलर डालें? परपेंडिकुलर डाला, पर क्या पीछे एक्सटेंड कर दिया? एक रे हमने यहां से भेज दी तो ये यहां से मिली और आगे चली गई। देखो इसकी इमेज बन गई एक, तो एक इमेज तो यहां बन रही है। दूसरी ये बनाएगा, एक रे भेजी इसी रास्ते से वापस आ गई, दूसरी रे यहां भेजी, मुझे पता है परपेंडिकुलर लाइन को पीछे एक्सटेंड करो, इमेज यहां बनेगी, रे आगे चली गई। सही है? कल वाली बात ध्यान है ना कि डायग्राम बनाते हुए डायग्राम समझ में आता है। अभी यहां पे कितना है? ये इमेज बन गई I2, तो दो इमेज बन रही है, बाकी तो बनी नहीं रही। सही है? तो ऐसा लगता है कि ये भी पैरेलल मिरर्स हैं, बट ये इनफाइनाइट इमेज नहीं। कितनी बनाते हैं? दो इमेजेस। उसके बाद हेडिंग डालना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय इंक्लाइन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय इंक्लाइन मिरर्स। आपकी DPP 1 में जो 6th क्वेश्चन था, 6th था या 7th था, जिसमें वो नंबर ऑफ इमेजेस 7 आ रही थी, नंबर ऑफ इमेजेस वाले क्वेश्चन थे ना, 7 आंसर आ रहा था जिसका। अभी सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं पहला, जिसमें मिरर 90 डिग्री पे है। ये लो इस तरीके से, मान लीजिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये सिमेट्रिक है, ए कोमा ए, मीन्स ए यहाँ है और ए इधर है। सिमेट्रिक लग रहा है ये? एक्स में कितना है ये ऑब्जेक्ट? एक्स में कितना, वाई में कितना? ए, यानी कि ये सिमेट्रिक है। अब हम पहले देखेंगे कितनी इमेजेस बनाएंगे, तीन। कैसे? देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा बना लो डायग्राम। ये लो ये ऑब्जेक्ट ए कोमा ए, क्या सबसे पहले क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन को पीछे एक्सटेंड करो। क्या दो रे यहां से भेज दूं? एक इधर भेज दी, एक इधर भेजी। क्या ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करके उधर जाएगी? क्या आगे का काम पहले करते हैं कि पीछे का? तो यहां से आप मिलाओ, आपको इमेज यहां बनानी है और आगे फिर एक्सटेंड कर दो। इसका मतलब एक इमेज तो ये बन गई, बन गई। दूसरी इमेज ये मिरर बनाएगा, बोलो।
पहले परपेंडिकुलर डालिए, पीछे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ इमेज बनेगी। दो रे भेज दो, एक यहाँ भेजी, एक यहाँ भेजी, जहाँ मर्जी भेजो। बोलो पहले यहाँ से मिलाते हैं, कहाँ चली गई, इधर, और ये किधर चली गई, इधर। तो दूसरी इमेज ये बन गई। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या जो ये इमेज है, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं करेगी, और ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मींस ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन, सोचो अगर इस इमेज को मैं इसका ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या ये मिरर के सामने है? आप इसको सारे को भूल जाओ, सिर्फ इस मिरर को सोचो। मिरर को क्या कर दूं? एक्सटेंड। इससे क्या डालूं? परपेंडिकुलर। तो इसकी इमेज कहां बन जाएगी? कहीं यहां बन जाएगी। यस और नो? अब यही इमेज, ये इमेज इसके लिए किसका काम कर रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। क्या इसको भी पीछे एक्सटेंड करूं, इसकी इमेज बनाऊं, और ये भी कहां बनी? यहां बनी। बात समझ में आई? अगर ये ए कोमा ए था, ये चौथे क्वाड्रेंट में बन रही है, इसका मतलब ये माइनस ए कोमा माइनस है, तो एक इमेज यहां बन गई। आपको ऐसा लगा कि चार इमेज बनी, एक इसकी, एक इसकी, पर क्या ये इसकी इमेज और इसकी इमेज कोइंसाइड कर गई कि नहीं कर गई? इसका मतलब हम एक चीज को दो बार नहीं गिनेंगे। कितनी इमेजेस बनी? तीन। तो थ्री इमेजेस बनी। कब? जब 90 डिग्री पे रखा हो। और कैसा हो? कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? सिमेट्रिक। क्या तुम यही डायग्राम एसिमेट्रिक के लिए बना सकते हो, एसिमेट्रिक के लिए बताओ? अगर मैं सेकेंड केस एसिमेट्रिक का लूं, उसमें क्या होगा? फिर से दो मिरर 90 डिग्री पे। ये क्या है? ए कोमा बी, ए कोमा बी। आवाज नहीं भाई। क्या एक इमेज यहां बनेगी? इसकी एक इमेज कहां बनेगी? यहां। एक इमेज यहां। क्या ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी? तो दो और बनेंगी। पर बात यह है कि क्या एसिमेट्रिक में वो कोइंसाइड करेंगी? करेंगी। ऐसा लगता है कि कोइंसाइड नहीं करती, पर वो करेंगी। देखो कैसे। बोलो ये कितनी दूर बनेगा, ये इमेज बताओ कहाँ बनेगी, कितनी दूर है ये? अभी ये एक्स में कितना है? ए। तो ए पीछे बनी, तो यहाँ ए पीछे बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये बताओ ये कहाँ बनेगी? बी। बी नीचे बन गई है। अब इसकी बात करते हैं, ये x में कितना है, y में कितना है? ये y में तो b है ये, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस a। तो ये माइनस a कोमा b की बन गई, और ये माइनस b कोमा, मतलब a कोमा माइनस b की बन गई। बोलो अब मैं, अगर मैं इसको इमेज को, इस इमेज को इसका क्या मानूं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज यहां बनेगी, कितनी दूर है ये y में b, तो ये b तो नीचे बनेगी, बनेगी, और ये कितनी आगे बनेगी? a। तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस a कोमा माइनस b नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में कोइंसाइड नहीं करेंगे, पर करती है। तो एक इमेज यहां बन गई तीसरी, और इसके कोऑर्डिनेट माइनस a कोमा माइनस b। ये देखो सही है। तो अभी भी कितनी इमेजेस बन रही हैं? तीन। अब सुनिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अभी जो तुमने देखा, कितने इमेजेस बना रहे हैं 90 डिग्री पे? तीन निकला। एक कंक्लूजन तो सीधा सीधा यही है कि कितने इमेजेस बना रहे हैं 90 डिग्री वाले? तीन इमेजेस बना रहे हैं। डन। अब ये मिरर था इस तरीके से, और आपने कहा सर ये ए कोमा बी है या ए कोमा ए है, सपोज कोई भी ले लो आप, ए सिमेट्रिक ले लो, सिमेट्रिक ले लो। क्या एक इमेज यहाँ बनी? एक इमेज यहाँ बनी थी, एक इमेज यहाँ बनी थी, और एक इमेज यहाँ बनी थी। बनी थी कि नहीं? आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल, ये सर्कल, और ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनता है, ये सारी जहाँ जहाँ इमेजेस बन रही है वहाँ से पास करता है, है ना, इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ बन गई। क्या पहली इमेज ये बनी थी? मान लो आई वन, यहाँ क्या थी? I2। ये क्या थी? I3। इस सर्कल की कुछ खास बातें हैं क्या? क्या ये सर्कल उन सारी इमेजेस से पास कर रहा है? यस। और ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए ही नहीं, किसी भी एंगल के लिए ऐसा होगा।
अगर मान लीजिए 30 डिग्री पे होंगे तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी सारी एक सर्कल पे लाई करेंगी। बोलो इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ, यहाँ है सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या बोलेंगे इसको? जहां पे मिरर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां मिरर्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इस सर्कल का क्या होगा? सेंटर। ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट की दूरी क्या इसकी रेडियस होगी? यस। सो दिस सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू, बोलो जल्दी, पास थ्रू इमेजेस, सारी इमेजेस इस सर्कल पे बनेंगी। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या बनेगा? मिरर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बोलो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है? रेडियस। तो यहाँ इसकी जो रेडियस होगी, गैप बिटवीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर्स एंड, बोलो, एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तीन टर्म आती हैं भाई। और ये ध्यान रखना, दिस सर्कल इज वैलिड फॉर ऑल एंगल्स, नॉट ओनली फॉर 90 डिग्री। आपके मिरर्स किसी भी एंगल पे हो ये सर्कल बनेगा, और ऐसे बनेगा कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी सारी इमेजेस से पास करेगा। इसका सेंटर वहां होगा जहां पे मिरर्स क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या बोली जाएगी? रेडियस। तो ऐसे लिख लो, दिस सर्कल इज वैलिड फॉर ऑल एंगल्स बिटवीन मिरर्स, ऑल एंगल्स बिटवीन मिरर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे ही स्फेरिकल मिरर शुरू होंगे आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा ये चैप्टर। ये स्टार्टिंग में जो प्लेन मिरर आता है, प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट स्फेरिकल से ज़्यादा होते हैं। ये स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, अगर ये अच्छे से आ गए, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है इस चैप्टर में। क्लियर? उसके बाद हो गया, कुछ इस तरीके से रखा है मिरर। क्वेश्चन लिखिए, अगर ऐसा रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितनी आएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय, इसके आप कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, ओरिजिन मान लो, 0.0, 1, कुछ भी मान लो, बताइए। हाँ जी, दो इमेजेस बनेंगे भाई, दो इमेजेस, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा, सही है? बना के दिखाना डायग्राम, कैसे बनाओगे? केस लगाओ भाई, 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालो, पीछे एक्सटेंड कर दो, दो इमेजेस बना दो। बेटा जितने रिफ्लेक्शन उतनी इमेजेस, सीधा सीधा हिसाब है। देखो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हो, यहाँ चली जाएगी और यहाँ भी चला जाएगा और वापस आ जाएगा। तो एक इमेज तो यहाँ बनेगी कुछ इस तरीके से, और एक कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा आगे बनाओ, ये यहाँ से डायरेक्ट गई, पीछे एक्सटेंड हो गया, कहाँ बनी? यहाँ पे। तो दो इमेजेस बनती, टू इमेजेस। हाँ जी, हाँ। अभी बेटा ये यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है मिरर्स का, वहाँ पीछे इंटरसेक्शन था, वो एक अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है। यही काम जो पहले आपने पैरेलल मिरर्स में किया था, वो वाला, ये वाला और ये वाला, आप उसमें भी कर सकते थे। आप कहते हैं सर यहाँ जो इमेज बनी है क्या इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बोल सकते हो ना? वहाँ भी बोल सकते हो, पर यहाँ नहीं बोलना ना। जहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा हो जहाँ पे मिरर्स इंटरसेक्टिंग है वहाँ पे चीज़ें होती हैं ऐसे, यहाँ पे नहीं होंगी जहाँ पे कॉम्बो नहीं है। यही चीज़ पहचान करनी है, कभी भी आपका अरेंजमेंट ऐसा आएगा, यू विल नेवर से द इमेज ऑफ दैट मिरर विल एक्ट लाइक दिस। अब जैसे मैंने पैरेलल में बताया, अब पैरेलल मिरर का कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें एक इमेज दूसरे इमेज के बिल्कुल सामने ही है,
लेकिन इसमें आप एक्सटेंड करके धक्के से बना रहे हो, यहाँ पे ये अलग है, सही है। मतलब आप इनको वेक्टर्स की तरह मत सोचो कि शिफ्ट करके सारी चीजें कर लोगे, ये अरेंजमेंट अलग, ये अरेंजमेंट अलग। ये दो क्वेश्चन कराए मैंने, एक पहले कराया था और एक अब कराया। इसमें लगता है ऐसा कि बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। अब ऐसे तो जो उसकी इमेज बनाओगे फिर तुम बोल दोगे उसके लिए, है ना, तो ऐसे चलता ही जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन इसका तो एंड हो रहा है, इसका तो एंड हुआ, इसका तो एंड हुआ कोइंसाइड करते ही, तीन इमेजेस बन गई। क्या बेटे, दिस सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू इमेजेस। हाउ टू काउंट इमेजेस, हाउ टू काउंट इमेजेस बाय इंक्लाइन मिरर्स, फॉर्म्ड बाय इंक्लाइन मिरर्स। हाँ जी देखो, इधर यहाँ पे ये प्योरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मार्क करते हैं। देखो अभी मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, आपको आप बहुत सरप्राइज हो गए। हम इतने दिन से प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक अकेला ये कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको बोर्ड में दिखता है, ये कि नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करो, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं ये आपके कॉम्पिटिशन का सिलेबस है, राइट। आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में शुरू होते ही प्लेन मिरर के बारे में सबसे फैक्चुअल डाटा यही दिया गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं ना 360 बाई थीटा वाला, उससे नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करते हैं, बट उसका एक्चुअल में वो फॉर्मूला कहाँ से आता है वो अभी हम देख रहे हैं। देखो अगर मान लीजिए मिरर्स कुछ ऐसे हैं इस तरीके से, कितना एंगल है इनके बीच में, थीटा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आप बताओ ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ से एंगल देखूं तो थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है जहाँ पे ये एंगल आधा नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये बिल्कुल बीच में होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर ये बीच में नहीं होगा तो एसिमेट्रिक होगा। तो दो केसेस बनते हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ इमेज यानी कि पहले एम निकालेंगे। एम एम क्या होता है, 360 बाय थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स, ऐसा निकाला हमने। अब हमने इसके ब्याप पे केसेस बनाए। पहला केस देखो, अगर एम इवन आ गया, इवन, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बतानी है, एम माइनस वन, इतना आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 30 होता तो 30 डिग्री से डिवाइड करते तो 12 आता, तो 12 इवन है, 12 इवन है, तो इवन अगर आंसर आ जाए, तो इवन आंसर नहीं देना, उसमें से एक माइनस करना है और तुम्हारा आंसर 11 हो जाएगा, सही है। अभी हम इसको बना के भी देखेंगे कि कैसे कैसे आए ये फॉर्मूले। ये देखो नेक्स्ट, अगर एम ओड आ जाए तो, अगर एम ओड आ जाए बताइए कितने केसेस होते हैं यहाँ पे सिमे। हाँ अगर मान लीजिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, और एक में क्या होता है एसिमेट्रिक, आंसर बताना किस में हो जाएगा एसिमेट्रिक में। ये देखो एम ओड है ना, अगर ये एसिमेट्रिक हो जाए तो एक माइनस कर दो, अगर सिमेट्रिक हो जाए तो यू का यू आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सही है। तो कितना आ गया एम, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी एम एंड एम माइनस वन। ये तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं भाई, आप अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एम माइनस वन एसिमेट्रिक में एम, सही है। ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब इनको देखो बनाना कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट यहां है, ये कुछ इस तरीके से रखा है कि ये 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, बताओ ये ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। डन, आप एक बार अपने फॉर्मूले से आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। एंगल बिटवीन मिरर्स कितना है, 30 डिग्री, आंसर बताना कितना आएगा, तुम्हारा आंसर 11 आ रहा है। अब अगर आपको ये कोई बोल दे कि पहली इमेज कहाँ बनी, दूसरी कहाँ बनी, तीसरी कहाँ बनी, ये तो नहीं बता सकता आप इन फॉर्मूलों से। ये फॉर्मूले तो सिर्फ इमेजेस काउंट करने के लिए हैं,
अगर आपने वो पीछे वाला मेथड देखा हो पैरेलल मिरर्स वाला, उसमें क्या किया था, एम वन एम टू से ऑब्जेक्ट की दूरी देखी, मिरर्स के बीच का गैप ऐड करते चले गए। क्या हम यही काम यहां कर सकते हैं? ये एम वन, ये क्या है एम टू, दूसरा मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर वन ये है। इससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनके प्रूफ आ गए। कैसे? मेथड टू में देखो, एम वन लिखो, एम टू लिखो। बोलो एम वन ऑब्जेक्ट से कितना डिग्री है, एम वन से कितना डिग्री दूर, 20 डिग्री, तो 20 रखो। एम टू से, आवाज नहीं, लास्ट, एम टू 10 डिग्री, बीच में एंगल कितना है दोनों के, नहीं आया समझ? बेटा एम वन से ऑब्जेक्ट वाली लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 20, ऑब्जेक्ट वाली से। इस मिरर के और इस मिरर के बीच में 30 है ना, तो ये वाला तो 20 है ना एम वन से, तो ये 20 और ये 10, दोनों के बीच में कितना है, 30 डिग्री, ऐड करते चले जाओ। लेकिन कौन बताएगा कि इसमें क्या ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि रुकेंगे कहाँ, 180 या 360? देखो इधर 20 और ये 10, आप ऐड करते चले जाओ। क्या ऐड करूं, कितना आया ये, कितना आया ये, कितना आएगा ये, कितना आएगा 80, नेक्स्ट 110, 100, 130, 140, 170, 160। अब मैं यहां रुक गया। अब मैं यहां क्यों रुका, देखो लास्ट के दो एंगल देखो, लास्ट के दो एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर 360 या 360 से बड़ा है तो वहां रुक जाओ। देखना 160 और 170, 330, और एंगल बिटवीन मिरर्स कितना है, तो 330 प्लस कितना हो गया 360। अगर ये 360 से बड़ा भी आ जाता तो भी हम रुक जाते, तो 360 या 360 से बड़े पे रुकना है। कैसे, वेयर टू स्टॉप, कहाँ रुकना है, पहला एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स प्लस सम ऑफ लास्ट टू एंगल्स, सम ऑफ लास्ट टू एंगल्स, ये 360 या 360 से बड़ा आना चाहिए। सही है, लास्ट के दो एंगल ये रहे। देखो यहां देखना 140 प्लस 130, 270, 270 में एंगल बिटवीन मिरर कितना था, 30, कितना बना 300, तो अभी आया नहीं था ना 300, इसलिए मैंने एक स्टेप और किया। अब आप यहाँ पे ना इमेजेस भी काउंट कर सकते हो। देखो पहली इमेज कहाँ बनेगी, 20 डिग्री पे ही बनेगी यहाँ पे। देखो अगर मैं इसके लिए देखूँ तो ये 20 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो इमेज 20 डिग्री ही बनाएगी मिरर के साथ। पहली इमेज 20 पे, उसके बाद 40, 80, 100, 140 एंड सो ऑन। इसका मतलब इस मेथड में ये तो समझ में आ रहा है कि इमेजेस कितने कितने डिग्री पे बन रही हैं जाके, पता लग रहा है ना। तो ये देखो पहली इमेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्होंने क्या कहा, अगर तुम्हारा 360, अगर ये इफ इक्वल्स टू 360 तो इमेजेस आर कोइंसाइडिंग, इमेजेस आर कोइंसाइडिंग, दैट मींस आप एक इमेज को कितनी बार गिन रहे हो, दो बार। इसका मतलब तुमने जितने गिने उससे एक कम करना है। बोलो कितने गिने तुमने अभी, तुमने 12 गिने, 12, तो 12 गिने तो एक कम किया 11, तुम्हारा आंसर 11 ही आया था। यहां से भी आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सम कितना था। तो अगर 360 का सम है तो इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर 360 के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है, तो इफ ग्रेटर देन 360 इमेजेस आर नॉट कोइंसाइडिंग, इमेजेस आर नॉट कोइंसाइडिंग। सही है, एक दो क्वेश्चन करके देखो कितनी बनाएगा जल्दी। को भले आपने फॉर्मूले से किया होगा, आप इसको इस मेथड से करके देखो एक बार। मैंने क्या किया, 40 एम वन एम टू कितना, 40 30, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 70, दोनों के बीच कितना एंगल है, 70 डिग्री, दैट मीन्स मैं 70 ऐड करता चला जाऊं, कितना आया ये 110, ये कितना आया 100, उसके बाद
170, ये 180। अब तुम बोले सर एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये जो सम है देखना, ये 180 प्लस 170 350 और प्लस 70, ये तो 360 से बड़ा हो गया। इसका मतलब इमेजेस कोइंसाइड तो नहीं कर रही, तो फिर एक दो तीन चार पाँच छः आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो। तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ लाइक आप मिरर के पीछे, बैक ऑफ द मिरर, आप इतना थोड़े रोटेट कर सकते हो कि मिरर के पीछे ही चले जाओगे। तो इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच गिननी है, तो आंसर कितना आ गया? 5। एक और करो ऐसा ही, लिख लेना इस पे 180 डिग्री वाली काउंट क्यों नहीं होती, मिरर की बैक आ जाती है। नेक्स्ट एक करके दिखाओ 50 और 70 वाला, 70 और 50 लेके करके दिखाओ। हाँ जी, तो ऐसा कुछ बनेगा ना ये, ऐसा मतलब कुछ 70 ये ले लो 50 ये ले लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेजेस बताओ कितनी बनेगी? 3 इमेजेस बनेंगी। ये जितनी भी इमेजेस बन रही है ना, ये सारी उस सर्कल पे लाई करेंगी, ये ध्यान रखना। वहां पे मैंने लिखा था दिस सर्कल इज वैलिड फॉर ऑल एंगल्स, दैट मीन्स इन मिरर्स के बीच में जितना मर्जी एंगल हो तुम्हारा सर्कल बनेगा ही बनेगा, और सारी इमेजेस उस पर लाई करेंगी। अब यहाँ से आप अपना प्लेन मिरर खत्म कर सकते हो, इट इज मोर देन इनफ। और खत्म कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन सामने आएंगे वहां से चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे बता दिए। एक बार गिन के देखो, सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू कराया था मैंने, तो कैसा होता है स्फीयर? स्फीयर होता है ना, एक्चुअल में आप इस तरीके से एक मिरर लेते हो जो स्फीयर शेप में होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ आप इतना पोर्शन कंसिडर करते हो, करते हो क्या नहीं करते हो? और इस स्फीयर का सेंटर यहाँ है, आपने सिर्फ यहाँ ए से लेके बी इस पोर्शन को कंसिडर किया। इसका मतलब ये शेड करने का ये मतलब होता है कि बाकी के पोर्शन पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, सारी रिफ्लेक्शन यहाँ इस पोर्शन से हो रही है। अभी हम बात करेंगे ये क्या क्या है, लेकिन पहले आप बताइए स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। 10th क्लास का बेसिक बता रहा हूँ। कनकेव मिरर कैसा होता है? इस तरीके से बल्ज्ड इन पार्ट, यानी कि यह अंदर वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट यहां से टकरा के वापस जा रही है, और अगर ये उभरे हुए हिस्से से जाए तो वो कन्वेक्स बन गया। तो ये होता है बल्ज्ड इन पार्ट, बल्ज्ड इन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, बल्ज्ड इन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। कन्वेक्स में, कन्वेक्स में कुछ इस तरीके से होता है। 10th क्लास, बल्ज्ड आउट पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, डन। एक डिफरेंस फॉर्म में लिख लो, कैसी नेचर का होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये कैसी नेचर का है? डाइवर्जिंग। कितनी इमेजेस बनाता है? इसके कितने केसेस होते हैं? केसेस बताओ। 6, इसके 2, टोटल इमेजेस कितनी बनानी है? 8। 6 इमेजेस बनती थी, फोकस पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, फोकस पे, सी पे, सी पे, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, है ना? तो इसका मतलब ये कैसी नेचर की इमेज बनाएगा? रियल एंड वर्चुअल बोथ। छोटी बनाएगा, बड़ी बनाएगा? छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, और सेम साइज भी बना सकता है। तो एनलार्ज, एनलार्ज, डिमिनिस्ड और सेम साइज, तीनों तरीके की इमेज बना सकता है। ये क्या करता है? ओनली, ओनली वर्चुअल बनाता है, ओनली डिमिनिस्ड बनाता है, छोटी बनाता है। कितने केसेस आते हैं? लास्ट आवाज में तुम्हारी आवाज आ रही है बहुत, 5। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल इमेजेस के केस कितने बनेंगे? 6। 6 में से 5 रियल बनती थी और एक वर्चुअल बनती थी। 10th क्लास का बेसिक है ना ये, 10th क्लास में सब पढ़ा था। इसमें कितनी इमेजेस बनती थी? 2 इमेजेस, दोनों की दोनों वर्चुअल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 6,
इसका फोकस सुना है, फोकस प्रिंसिपल फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस रियल होता है और इसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, नकली। इसका इसको इसमें ऐसा लगता है कि ऐसा है पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस इज रियल, प्रिंसिपल फोकस इज रियल। इसमें प्रिंसिपल फोकस इज वर्चुअल। जल्दी से उतारो, इसका टर्मिनोलॉजी जो जो है बता के भेजूंगा, 10 मिनट है अभी। अपना पोर्शन कंसीडर किया, इसको पॉलिश किया, सिल्वर पॉलिश किया, इसके सेंटर से पास होने वाली नाम क्या था इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। डन। ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगी 12th क्लास के लेवल पे वो सुनना, जैसे ये कितना पोर्शन लिया आपने, इतना पोर्शन लिया ए से लेके बी। अगर मैं इसको काटूं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से इसका भी तो एक रेडियस बनेगा। इस ए बी पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर कौन सा हिस्सा होता है मिरर का, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, सो वेयर एक्चुअल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। आपने इसको 3D में काटा तो ये देखो एक स्मॉल आर बन गया यहाँ पे रेडियस। ये क्या है, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर एक्चुअल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। एक्चुअल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। इसके बाद ये क्या है, इसको क्या बोलते थे, पी यानी के पोल, ऐसा बोलते थे। अच्छा, जो मैंने डायग्राम बनाया ये आपको समझ में आया, ये मैंने जो काटा है आप इसको स्फेरिकली काटो 3D फॉर्मेट में, तो आपको आगे से ऐसा लगेगा जैसे आपने एक फुटबॉल को काट दिया, तो उसका जो रेडियस नजर आ रहा है वो रेडियस ऑफ अपर्चर है। यहाँ क्या होता है, इसके आधे पे फोकस, ठीक है। ये देखो ये क्या है, फोकस। ये क्या होती है, टोटल आर, आर पोल से लेके ये दूरी, रेडियस ऑफ, इस पे स्टार लगाना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या थी, फोकल लेंथ था। याद करो मैंने आपको रेज के बारे में बताया था, दो तरीके की रेज होती है, मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज। हमें कौन सी पढ़नी है, पैराएक्सियल। क्या पैराएक्सियल में एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, यस, लेकिन मार्जिनल में बहुत ज्यादा होता है। सो यहां पे ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बारे में सुनिए, जो यहां सीखने की चीज है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इस ए बी पार्ट का सेंटर कौन है, ए बी पार्ट का सेंटर। लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पोल इज द सेंटर ऑफ अपर्चर, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस पोल को कैसे डिफाइन करोगे, पोल इज दैट पॉइंट ऑन अपर्चर, दैट पॉइंट ऑन अपर्चर, अपर्चर फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। सुनो ध्यान से, क्या मैंने ये रेडियस बताई कहां से बताई, पोल से बताई ना, पी सी से कितना दूर है, आर। आपने बोला ये रेडियस है, क्या ये पोल यहां नहीं हो सकता था, हो सकता था, क्या ये पोल यहां नहीं हो सकता था, कहीं भी हो सकता था ये, लेकिन अगर तुम्हें ये दूरी मापनी पड़ जाती तो प्रॉब्लम होती फिर, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी जैसे यहां से दूरी देखोगे फिर ये दूरी निकालने में प्रॉब्लम होती। इसका मतलब पोल अपर्चर पे है पक्का, लेकिन पोल ऐसे माना जाता है जहां से डिस्टेंस मेजर करना आसान हो। क्या अगर ये सेंटर है तो मेजर करना आसान नहीं है सीधा सीधा, अगर ये यहां होता तो फोकस से ये दूरी निकालते तुम, पर अभी ये दूरी है सीधी निकल रही है। सो पोल इस तरीके से एज्यूम किया जाता है ताकि डिस्टेंसेस मेजर करना आसान हो। तो यहां पे क्या लिखा, वेयर, फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। अभी क्या बताया, पोल सेंटर हो अपर्चर का ऐसा जरूरी है क्या, अरे पोल सेंटर हो अपर्चर का ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। इसको कहां मानना है वैसे, जहां से डिस्टेंस मेजर करना आसान हो, और ये कहां से मेजर करना आसान है, सेंटर से, इसलिए ये सेंटर पे दिखाया जाता है। सो फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, बट जनरली
बट जनरली इट इज टेकन एट सेंटर ऑफ अपर्चर बिकॉज इट इज इजी टू मेजर डिस्टेंसेस। और कोई टर्म होती है इसके अंदर, एक तो होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। आपने कोई रिलेशन पढ़ा था ऐसा कि एफ जो होता है वो आर बाई टू होता है? अभी आज इतना बता रहा हूं कि ये सिर्फ किसके लिए है, पैराएक्सियल रेज के लिए, लेकिन मार्जिनल रेज के लिए फॉर्मूला नहीं होता। पढ़ा है ना फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, तो लगेगा ये भी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आर बाई टू माइनस सेकेंड थीटा। पढ़ा है आर माइनस आर बाई टू सेकेंड थीटा, आर माइनस आर बाई टू सेकेंड थीटा। अब सोचो वो एंगल जो आता है वो मार्जिनल रेज की वजह से आता है, आपको पढ़ना यही है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, बट ये पैराएक्सियल के लिए है। किसके लिए होता है, मार्जिनल के लिए अलग होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, दसवीं क्लास का बेसिक स्फेरिकल मिरर हो गया। कल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 6 इमेजेस 2 इमेजेस देख के आना, अपना नेट से देखना चाहे कॉपी में से देखना ये कैसे बनती है।